निपात पार्टिकल निपात निश्चित शब्द शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को एक अलग ही भाव प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं। ये शब्द सहायक होते हैं। वाक्य में इन शब्दों के प्रयोग से ही संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा एक साधारण भाव प्रकट कर रहा है। मैं भी बाजार जाऊंगा एक जिद प्रदर्शित हुई है। मैं ही बाजार जाऊंगा जिद यानी और कोई नहीं जाएगा। यहाँ दो वाक्यों में भी और ही शब्दों का प्रयोग हुआ जिनके कारण भाव परिवर्तित हुए। ये शब्द ही निपात कहलाते हैं। निपात शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के भाव में बल भर देते हैं। निपात का प्रयोग प्रश्न करने में, अस्वीकृति प्रकट करने में, भावों को बल देने में, विस्मय प्रकट करने में किया जाता है। निपात के निम्नलिखित भेद हैं: स्वीकारात्मक जी हाँ, नकारात्मक ना नहीं जी नहीं, आदर बोधक जी, प्रश्न बोधक हैं क्या, अवधारणा बोधक लगभग करीब ठीक, विस्मयादि बोधक काश क्या, तुलना बोधक सा, बल प्रदायक केवल सिर्फ भाग ही आदि, निषेधात्मक खबरदार मत। हिंदी में प्रचलित निपात इस प्रकार हैं: ही तुम ही कर लो, मैं ही जाऊंगी, भी मैं भी जाऊंगा, तुम भी चलो, तक वह अब तक नहीं आया, बात अपने तक रखना, भर जीवन भर सीखना चाहिए, दिन भर खेला, मात्र नाम मात्र से ही काम बन जाते हैं, मात्र 2 रुपए, तो वह तो चला गया, मैं पढ़ती तो हूँ पर भूल जाती हूँ। वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल भर दें निपात कहलाते हैं। विशेष एक ही निपात शब्द बदल लेने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई। दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई। दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। जो अव्यय वाक्य के अर्थ में बल भर दें वे निपात कहलाते हैं। एक ही निपात स्थान बदलने पर एक ही वाक्य में अलग अलग अर्थ भर सकता है। निपात का वाक्य से अलग स्वतंत्र अर्थ नहीं होता।